फाइनली लॉकडाउन आज होने वाला है खत्म, तो अपने अपने बकेट लिस्ट रेडी कर लो और जो भी करना है करो मस्त। मैं तो मस्त जाने वाली हूँ, छोले कुलचे खाने वाली हूँ, मेरा तो यही पहला ड्रीम है। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, पता नहीं क्या तुम्हें 17 तक बढ़ गया है लॉकडाउन। कोई बात नहीं, अभी 2 हफ्ते और बढ़ गया तो मेरे चैनल के लिए तो अच्छा ही है ना। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पारमिताज डिलाइट में, और लॉकडाउन में बोर होने से बचने के लिए मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियोस को, और बहुत यमी यमी डिलीशियस से रेसिपी वाले मस्त चैनल को आप देखिए पारमिताज डिलाइट, जिसमें कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ लाइफ स्टाइल, फन एंड फूड रेसिपीज। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में मटर कुल्चे की रेसिपी। मटर कुल्चे इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज फ्रॉम दिल्ली। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती रहती हूँ कि कब मैं दिल्ली जाऊँगी और कब मैं फिर से वो सारी चीज़ें खा पाऊँगी जो मैं कॉलेज के टाइम पे खाया करती थी। मुझे अभी भी याद है हमारे हॉस्टल में, जब मैं नोएडा में थी कॉलेज टाइम पे, हमारे हॉस्टल में ट्यूसडे को छोले कुलचे आता था एंड आई लव इट। मैंने पहले कभी भी मटर कुलचे छोले कुलचे नहीं खाया था, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल में खाया एंड मुझे काफ़ी डिफरेंट एंड काफ़ी यूनिक लगा, बहुत टेस्टी लगा मुझे। एंड उसके बाद मैंने बाहर भी खाया था तो आई लव इट सो मच। और बहुत दिनों बाद आज मेरा मन कर रहा है, बिकॉज़ घर पे चाट वाले मटर भी अवेलेबल है, तो मैं मटर कुलचे आज बनाने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा दिल्ली वाला व्लॉग नहीं देखा है जाकर देखो, बिकॉज़ मैं इस बार गई ही थी, लास्ट टाइम गई ही थी मैं दिल्ली इसलिए कि मेरे को छोले कुलचे खाने हैं। बट सब कुछ जो मेरे बकेट लिस्ट में था वो सब कुछ मैंने खाया एक्सेप्ट छोले कुलचे, मेरे को हो ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं खाऊं। और मुझे कुछ इसका ऐसा बेस्ट जॉइंट टाइप भी पता नहीं था, और जो पता था एक कोई मायापुरी वाले कुलचे हैं, वो काफ़ी दूर था, करोल बाग से तो हम नहीं गए, टाइम हमारे पास काफ़ी कम था। बट जो भी चीज़ें हमने खाई वो बहुत ही ज़्यादा हमने इन्जॉय किया था, और हम हमेशा विश करते हैं कि जितनी बार हम जाएंगे वो हम ज़रूर खाएंगे। विदाउट डूइंग फर्दर लेट, लेट्स बिगिन द रेसिपी ऑफ मटर कुलचे। सो फर्स्ट विल टेक अ क्लीन बोल, उसमें मैंने मैदा ले लिया है, ये करीब 2 कप के करीब का मैदा है एंड उसमें 1 कप करीब आटा जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ मैदे के कुलचे बना सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा हेल्दी वर्जन की वजह से मैदा आटा मिक्स कर दे रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कर्ड, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, एंड इन सब को डाल के मुझे एक अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले इसको मिक्स कर लेना है आटे के साथ में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, आप घी या बटर भी डाल सकते हैं। देन ऐसे धीरे धीरे मुझे मिक्स करना है मैदे के साथ में, एंड उसके बाद में एज़ रिक्वायर्ड थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेना है और एक सॉफ्ट डो लगाना है हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड में ये ड्राई आउट ना हो जाए इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे एक डैम्प क्लॉथ से ढककर मैं काउंटर, किचन काउंटर पर ही इसको छोड़ दूंगी। आप चाहे तो थोड़ा वार्म प्लेस पर भी इसको रख सकते हैं, फ्रिज में ना रखें। इस डो को 45 मिनट तक हमें रेस्ट देना है, तब तक मैं जो मटर है वो तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने ये मटर बॉयल करके रखे हुए थे, उसमें मैंने बिल्कुल चॉप्ड अनियन एंड उसके बाद में ये कटी हुई हरी मिर्च, ये आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। एंड देन उसके बाद में हम डाल देंगे चॉप्ड टोमेटो, एंड अब इसमें जाएंगे इसके इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस जिनका आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ का। कोरिएंडर लीव्स आप बाद में भी डाल सकते हैं, मैं बाद में भी थोड़ा सा गार्निश करूँगी और अभी भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। एंड इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट इसके अलावा इसमें बाकी चाट मसाला वगैरह भी जाएगा, तो आप उसके हिसाब से ही सॉल्ट डालें। थोड़ा ब्लैक पेपर डाला है, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसमें इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर नींबू भी डाल सकते हैं, चाट मसाला इज़ अ मस्ट। और इसमें मैंने जीरा धनिया पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, और ये है रोस्टेड क्यूमिन एंड रेड चिली का पाउडर। और इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद में मैं इसे बहुत अच्छा सा मिक्स दूंगी। आपको अगर ये थोड़ा ड्राई लगे तो आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं, एंड देन इसके बाद में मैं इसे सर्विंग बोल में डालूंगी। मैदा हमारा सेट होके एकदम रेडी है आफ्टर 1 आवर। अब मैं उसमें से लोई निकाल लूँगी एंड जिस शेप का और जितना बड़ा आपको चाहिए वैसा निकाल के आप बेलिए।
एंड ऊपर से आप चाहे तो थोड़ा कलौंजी भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें सिर्फ कोरिएंडर लीव्स ही डाल रही हूँ जिनको फाइनली चॉप कर लिया है मैंने। और इस तरीके से थोड़ा सा बेल के उसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स डाल के इसको आप कुछ इतना बड़ा करना उतना बड़ा कर लीजिए। उसके दूसरे साइड पर आपको लगाना है थोड़ा सा पानी एंड देन उसके बाद में तवे पर आपको इस तरीके से चिपका देना है। अब हम साइड से थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम कवर करके कुक करेंगे जस्ट फॉर 30 seconds एंड देन और डिलीशियस छोले कुलचे इज रेडी। Inside of me, in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? ये ब्लैक कॉफ़ी है जो मैं या तो आफ्टर लंच या तो आफ्टर ब्रेकफास्ट कभी कभार ले लेती हूँ। एंड आज ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था तो मैं अभी ले रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा लेती हूँ बट मैं ले लेती हूँ। दिस बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म। अपना कबर्ड साफ करना है विच इज़ लाइक अ हेडेक वर्क बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मेरे कबर्ड में और यू नो वेस्टर्न भी उसी में रहता है, ऑफिस वर्क वाले ड्रेसेस जो है वो भी उसी में रहते हैं, साड़ी भी उसी में रहता है, तो काफ़ी हैफजर्ड हो जाता है। बट मैं इस बार सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट तरीके से अपना अलमीरा सजाने का, कि मैं जितने भी मेरे एथनिक वेयर हैं उनको अलग रखूँ, मेरे ऑफिस वेयर को अलग रखूँ, जीन्स एंड वन पीसेस को अलग रखूँ एंड साड़ीज को अलग रखूँ। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन जस्ट वन कबर्ड, तो थोड़ा बहुत सामान मैं मेरा सूटकेस है उसमें रख दूँगी लाइक दैट। इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। हो गया मेरा बिकॉज उठने में काफ़ी लेट हो गया था एंड देन शूट डे वाले दिन वैसे भी काफ़ी लेट हो जाता है बिकॉज सब कुछ शूट कर करके करना पड़ता है। तो हमें ब्रेकफास्ट करते करते 11 बज गए थे। उसके बाद में मैंने वो काम पकड़ लिया जो कबर्ड का था, वो सारा काम कंप्लीट किया। लंच आज मुझे नहीं बनाना था तो आज हमने लंच बहुत ही सिंपल और ईजी सा किया है। आज हमने लंच में खाया है दाल राइस एंड पकौड़ी। सो या बहुत ही इजी लंच था, बट कभी कभी हम ऐसा लंच भी करते हैं जिस दिन हमारा थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है उस दिन लंच बहुत लाइट रहता है। बट यू शुड नॉट स्किप योर लंच और योर एनी इम्पॉर्टेंट मील, आपको करना चाहिए, थोड़े क्वांटिटी में ही करिए। जैसे मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी बट मैंने थोड़ा सा खाया है। एंड या शाम को कोई प्लान नहीं है बिकॉज आज पेट सबका भरा हुआ एकदम फुल है, शाम का आज कुछ भी स्नैकिंग का प्लान नहीं है। बट आपके साथ में मैं एक और रेसिपी शेयर करूँगी बहुत इजी सी रात के टाइम में, जो कि मैं बनाने वाली हूँ आलू भिंडी की सब्ज़ी। आई नो ये बहुत बेसिक सब्ज़ी है बट जिनकी नई नई शादी हुई है और जो लड़कियाँ कभी भी किचन में नहीं गई है और वो गर्मियों के टाइम पे कुछ नए ऑप्शंस ढूंढ रही हैं या कुछ इजी सिंपल चीज़ों जो अवेलेबल चीज़ें हैं उससे खाना बनाना चाहती हैं, उनके लिए मैं ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए, आपको पता चलेगा। बहुत ही सी आलू भिंडी की सब्ज़ी है बट आपको इसमें कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, बहुत इजी इंग्रेडिएंट। आपके पास में जीरा धनिया पाउडर भी नहीं है ना तो भी आप ये बना सकते हो एंड इट केम आउट यम। आपको इसको खाना है गरम गरम घी वाली रोटी के साथ में तो ही इसका मज़ा आएगा। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सीरीज़ वगैरह देखती हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन पूरा कंप्लीट किया, ऑलरेडी मेरे एक दो मतलब फिल्म देखी हुई थी बट बहुत दिन हो गया था, मैं सब भूल गई थी, अचानक से मेरे को दिखा तो मैंने सोचा कि यार देख लेते हैं। सारी मूवीज़ देख ली मैंने, उसके सारे पार्ट्स देख लिए और अब मैं सोच रही हूँ कि अब क्या देखूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ स्पेशल ऑप्स देखूँगी। अगर आपके दिमाग में और कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और यार मेरा स्ट्रेंजर थिंग्स देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। एक्चुअली आई एम अ हॉरर लवर एंड इस तरह की फिक्शन वाली चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट यू नो अभी तो कुछ चांस ही नहीं है आने का और कोई भी सीरीज़ जो पसंद है वो भी कुछ नया नहीं आ रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई भी अच्छा
सीरीज है तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा, बिकॉज मैं लॉकडाउन में यही कर रही हूँ, या तो कुकिंग कर रही हूँ या तो कुछ कुछ सीरीज देख रही हूँ। वैसे सीरीज वगैरह मैं कम ही देखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो अभी सैटरडे संडे को तो मैं देखती ही हूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कोई सीरीज तो मैं स्पेशल ऑप्स ही देखूँगी, मैंने सोच के रखा है। एंड या एक और मूवी का मैं वेट कर रही थी, थप्पड़, वो आ चुकी है Amazon Prime पे, वो भी देखने वाली हूँ। किन किन लोगों ने देख लिया है कमेंट करके बताना कैसा है। टाइम इज 7:30 नाउ और मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए और भिंडी बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट मैं भिंडी बनाती हूँ एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं ईजी सी भिंडी। सो दिस ईजी रेसिपी इज़ गोइंग टू बी द फ्रॉम द स्क्रैच रेसिपी। सबसे पहले मैंने भिंडी को वॉश कर लिया है। भिंडी को हमेशा वॉश करके कट करें, कभी भी कट करके वॉश ना करें, आपकी भिंडी कभी बनी नहीं पड़ेगी अगर आप कट करके वॉश करेंगे। तो वॉश कर लें, उसके बाद में इसको कट कर लें जैसे आपको चाहिए, छोटे छोटे पीसेस में, बड़े बड़े पीसेस में। एंड देन उसके बाद में आपको पोटैटो को काटना है। आप आलू नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, बट मेरे पास कम भिंडी था तो मैं थोड़ा आलू मिक्स करूँगी। आलू को भी आप सेम छोटे छोटे साइजेस में कट कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ हैदराबाद के आलू बॉयल होने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं एकदम छोटा छोटा पीस कर रही हूँ। एंड आप चाहे तो इसमें अनियन डाल भी सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा अनियन डाला है। नहीं चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, ये एकदम प्लेन भुजिया टाइप का ही बनता है। मैंने ले लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, उसमें मैं डाल दूँगी मेरे चॉप्ड अनियन और उसको हल्का सा सौते करूँगी, जस्ट इट बिकम्स ब्राउन लाइक दैट। मैं इसमें थोड़ा सा चिली डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें पोटैटो भी डाल दिया, पोटैटो थोड़ा पहले डाला है बिकॉज बॉयल होने में टाइम लगता है। एंड इसको एक अच्छे से स्टर दे देंगे। देन आई एम गोइंग टू ऐड द सॉल्ट एज सून एज आई हैव एडेड द पोटैटो, बिकॉज बॉयल होने में हेल्प करता है। देन थोड़ा स्टरिंग के बाद में मैंने उसमें भिंडी भी ऐड कर दिया है। अच्छे से स्टर कर देंगे, थोड़ा ढक ढक के कुक करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ तो मैं ढक ढक के पका रही हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर और यहाँ मैं आ गई हूँ रोटियाँ सेकने के लिए। तो बस गर्मा गर्म रोटी तैयार है, घी लगाना है और सर्व करना है। ये सुबह का थोड़ा सा दाल बचा हुआ था तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा था, लेकिन बूंदी ने चार चांद लगा दिए हमारे खाने में। बहुत 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 सही बना था। थोड़ा क्रिस्टलाइन हो गया था शुगर, बट इट वाज रियली गुड। मेरे साथ तो ऐसा है, मैं ज़्यादा स्वीट नहीं खा पाती हूँ, एक दो स्पून के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुँह मीठा हो गया है, बट थोड़ा चेंज, इट वाज़ गुड। एंड कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरी ईजी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करना, लॉकडाउन स्पेशल है। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।